नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है बनारस फटाफट कुकिंग शो में। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं एक का कुछ नया प्रिपरेशन, जिसका नाम है एग फ्लिटर्स। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 6 एग। तो चलिए हम सबसे पहले पैन को हीट करते हैं। फ्राइंग पैन हमारा हीट हो चुका है, इसमें डालते हैं हम लोग वेजिटेबल ऑयल। इसमें हमने डाला है 2 टेबल स्पून ऑयल, 1 प्याज, 1 को हमें हल्का सा फ्राई करना है 1 से 2 मिनट। ये बारीक कटा हुआ बीन्स है, बीन्स डालेंगे। बीन्स को भी 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है। इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ गाजर, इसे फिर 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। इसमें डालेंगे 1 कटोरी पत्ता गोभी, इसमें डालेंगे नमक, इसे थोड़ा सॉफ्ट होने तक पकाना है, इसलिए इसको 3 मिनट्स तक कवर कर देते हैं। इस मिक्सचर को हमें लो हीट पर पकाना है। 3 मिनट्स हो चुके हैं, आइए देखते हैं, ये सॉफ्ट हो चुका है। इसमें डालेंगे हम लोग टोमेटो सॉस 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून चिली सॉस, 1 डाल देते हैं थोड़ा सा धनिया पत्ती, अब इसे लो फ्लेम करके रखना है और इसके ऊपर हमें एग को तोड़कर डालना है। इस तरह से इसके ऊपर ये एग डाल देना है। इसके ऊपर इस तरह से एग को तोड़कर डालना है। एक एक करके हमें ये सारे एग को डाल लेना है। इसके ऊपर डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च। इस तरह से सारे एग पर हमें डाल लेना है और चुटके से लेकर के थोड़ा थोड़ा नमक सबके ऊपर। जो येलो वाला पोर्शन है जिस पे हमने गोल मिर्च डाला है, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा हम लोग नमक डाल देंगे। अब इसे लो फ्लेम पे 5 मिनट्स तक कवर कर देना है। फाइव मिनट्स हो चुके हैं, आइए देखें, इसको एक बार चेक कर लीजिए। एग ऑलमोस्ट हो चुका है, पर एक ये वाला एग हुआ नहीं है, इसलिए ये मैं चेक करना, ये बिल्कुल हार्ड आपको लगेगा ऊपर से इसका सरफेस। तो इसे हम लोग और 3 मिनट्स के लिए इसको कवर कर देते हैं। और 3 मिनट्स हो चुके हैं, आइए इसे चेक कर लेते हैं। हमारा ये वाला एग नहीं हुआ था, ये पूरी तरह से बन करके रेडी है।
फ्लेम को ऑफ कर दें। अब आइए इसे सर्व करते हैं। ये बहुत ही हेल्दी भी है, इसमें हमने वेजिटेबल भी यूज़ किया है और एग भी है, बच्चों के हिसाब से इसमें सॉस भी डाला हुआ है तो बच्चे भी इसे बहुत पसंद करेंगे। देखिए देखने में भी बहुत ही सुंदर लग रहा है और बहुत ही हेल्दी भी है। ये एग फ्लिटर्स बनकर रेडी है। आप इसे अपने घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करें। जैसा भी आपने वीडियो में देखा, इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत नए तरह का डिश है, फुल ऑफ वेजिटेबल्स है, इसलिए आप इसे एक बार अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें। अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के बीच बैठकर ज़रूर इसका आनंद लें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।